नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का सवाल है. क्वेश्चन से द डी-ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर एट अ टेम्परेचर टी केल्विन में दिया हुआ है एंड मास एम इज, और चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं. बहुत ही सिंपल सवाल है. ये बात अपने को पता है कि काइनेटिक एनर्जी, जब भी हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे इसकी, सो इस काइनेटिक एनर्जी को आप लिखोगे दिस विल बी इक्वल टू 3/2 kT. ये आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इसके लिखी जाएगी. नाउ डी-ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा जो है उसको हम लिखते हैं, अच्छा इसी का मतलब ये है कि हम जो मोमेंटम है उसको हम लिखते हैं 2mK. ये कहाँ से आया? ये आया जब हमने लिखा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² / 2m. अगेन ये आप इसकी थोड़ी सी आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी. सो काइनेटिक एनर्जी को हम p² / 2m लिखते हैं तो उससे ये आपकी वैल्यू आ जाएगी. और लैम्डा को हम यहाँ पे लिखते हैं h/p और इसकी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे तो ये आपका h/√2mK की जगह आप लिख देंगे 3/2 kT. सो बस ये फाइनल आंसर आ गया आपका. सो लैम्डा विल बी इक्वल टू h/√3mKT. सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट चॉइस.